बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इंसेफेलाइटिस से हुई मौतों पर देश भर में हो हल्ला मच गया था। प्रदेश सरकार ने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और डॉक्टर कफील को जिम्मेदार मानते हुए सस्पेंड भी किया था। इस बीच न्यूज ने ये पता लगा लिया कि जिस सड़क से होकर बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंचा जाता है उसकी क्या हालत है। हमें वहां सड़कें टूटी मिली, बारिश के बाद सड़कों से आना जाना दुर्भर हो जाता है। जब बारिश होती है तो चारों तरफ से पानी भर जाता है, नाली नाला जैसे साफ ही नहीं रहता है, पानी ऊपर खलो हो जाता है। हाँ, मेडिकल कॉलेज के मेन रोड है, मरीजों के तो बहुत सारी जैसे परेशानी होती है, दिक्कत झेलना पड़ता है। अब यहाँ से आने जाने में जो है कि एक एक घंटा लग जाता है, डेढ़ डेढ़ घंटा लग जाता है, रोड पूरा जाम हो जाता है। पानी की दिक्कत है कि मान लीजिए नाली है, नाली कभी सफाई नहीं होती, होती है तो भर जाती है, बाकी जो प्लास्टिक वगैरह जो होता है ये सब नाली में भरता है, पानी निकलने का कोई जगह नहीं। और जगह रहता तो पानी काफ़ी निकलती है लेकिन नहीं निकल पा रहा है, रोडों पे काफ़ी जो है पानी जमा होता है, उससे जो है काफ़ी मच्छर वगैरह जो है परेशानी, बच्चे लोग बाहर निकलते हैं तो उससे दिक्कत होता है कि मान लीजिए मच्छर होता है, कीटाणु बढ़ होती है, जो बच्चे लोग को तकलीफ आती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क पर बारिश होने के बाद पानी लग जाता है, सड़कों की हालत बुरी है, इसके बाद भी सरकार इसे सही करवाने का काम शुरू नहीं कर रही। अब देखना ये होगा कि क्या सड़कों की वजह से कोई बड़ा हादसा होने पर सरकार किसी पदाधिकारी को सस्पेंड कर अपने दायित्वों से पल्ला झाड़ लेती है या फिर विकास कार्यों को प्राथमिकता देती है। न्यूज़ के लिए गोरखपुर से मनोज कुमार की रिपोर्ट।